स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इस वक्त का बड़ा अहम शो, जहां पर हम बात कर रहे हैं इस वक्त की कुछ बड़ी अहम खबरों की, जहां पर बात होगी बजट की। आइए देखते हैं आज बजट के दिन में क्या कुछ खास रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में बजट भाषण की शुरुआत कोरोना महामारी की जिक्र के साथ की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत अपनी विकास यात्रा जारी रखेगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियादी व्यवस्था मिलेगी। अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद जताई गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है। यह बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है। आजादी का अमृत महोत्सव एंड हैव एंटर्ड इनटू अमृत काल द 25 ईयर लॉन्ग लीड अप टू इंडिया एट 100। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस हैड सेट आउट द विजन फॉर इंडिया एट 100 बाय अचीविंग सर्टन गोल्स During Amrit Kaal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हो गया है और LIC का IPO अब जल्द ही आ जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव स्कीम को एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले 5 सालों के दौरान 60 लाख नए रोजगार रखने की क्षमता सामने आई है। द एफर्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर टुगेदर लीडिंग टू अ ह्यूज जॉब एंड एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एस्पेशली द यूथ। PM Gati Shakti Master Plan, National Master Plan, the scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity and logistics efficiency. It will also include the infrastructure development by the state governments as per Gati Shakti Master Plan. The focus will be on planning, financing, including... वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन तैयार की जाएंगी। द एफर्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर टुगेदर लीडिंग टू अ ह्यूज जॉब एंड एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एस्पेशली द यूथ। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान नेशनल मास्टर प्लान The scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity and logistics efficiency. वित्त मंत्री ने बताया कि साल 2022-23 के लिए नेशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। Infrastructure and logistics synergy among different modes of movement, both of people and goods. And location of projects. This will help raise the productivity and accelerate economic growth and development. Road transport. PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The national highways network will be expanded by 25,000 kilometers. वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो अपने सिलेबस में फार्मिंग कोर्स को जोड़े। गंगा कॉरिडोर के आसपास नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने पर भी सरकार काम कर रही है। वहीं छोटे उद्योग यानी MSME को क्रेडिट गारंटी स्कीम से मदद दी जाएगी। कहा गया है कि रेलवे छोटे किसानों और छोटे और उद्यम मध्यम उद्योगों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। तकनीक का इस्तेमाल खेती में भी अब नजर आएगा। किसानों में ड्रोन का इस्तेमाल होगा, इससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडर्न डे एग्रीकल्चर वैल्यू एडिशन एंड मैनेजमेंट अ फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल रेस्ड अंडर द को इन्वेस्टमेंट मॉडल विल बी फैसिलिटेटेड थ्रू द NABARD. This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activities of these startups will include inter alia support for FPOs.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम ऑफ पीएम ई विद्या विल बी एक्सपेंडेड फ्रॉम 12 टू 200 टीवी चैनल। दिस विल एनेबल ऑल स्टेट्स टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेजेस फॉर क्लासेस 1 and 1 to 12। इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। वहीं मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम की भी शुरुआत की जाएगी। 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48,000 करोड़ का फंड भी एलोकेट किया गया है। 80 लाख हाउसेस विल बी कंप्लीटेड फॉर द आइडेंटिफाइड एलिजिबल बेनिफिशियरीज ऑफ द पीएम आवास योजना बोथ रूरल एंड अर्बन। 48,000 crores is allotted for this purpose. The central government will work with the state governments for reduction of time required for all land and construction related approvals for promoting affordable housing. 2022 में ऐलान किया गया है कि नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए योजनाएं लॉन्च होगी। इससे वहां के लोगों का जीवन और स्तर बेहतर होगा। ई पासपोर्ट 2022-23 से ही जारी किए जाएंगे। इससे नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी और आसान होंगी। पुल्ड आउट इन 22-23 टू एनहांस द कन्वीनियंस फॉर द सिटीजंस इन देयर ओवरसीज ट्रैवल। बाय द टाइम ऑफ इंडिया एट 100 नियरली हाफ आवर पॉपुलेशन इज लाइकली टू बी लिविंग इन अर्बन एरिया। टू प्रिपेयर फॉर दिस ऑर्डरली urban development is of critical importance. This will help realize the country's economic potential, including livelihood opportunities. अपने चौथे बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि व्यापार सुगमता के लिए 1486 बेकार कानूनों को खत्म किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि नेशनल हेल्थ डिजिटल इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। इसके जरिए हेल्थ प्रोवाइडर्स के लिए डिजिटल रजिस्ट्रीज, यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी और हेल्थ फैसिलिटी हासिल करने के लिए यूनिवर्सल एक्सेस हासिल किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। बजट में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर ई वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते हैं क्योंकि जगह की कमी होती है, इसलिए बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल के दिनों में डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा है, उस पर फोकस रहेगा। केंद्र सरकार इसको बढ़ावा देगी और 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में शुरू करेंगे। Government is continuously encouraging these sectors to ensure that the benefits of digital banking reach every nook and corner of the country in a consumer-friendly manner. Taking forward this agenda and to mark 75 years of our independence, it is proposed to set up 75 digital banking units in 75 districts of the country. निर्मला सीतारमण ने कहा कि एआई तकनीक, ड्रोन तकनीक और सेमीकंडक्टर्स में अपार संभावनाएं हैं, इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल खरीदी बजट में 68% को घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च किया जाएगा। इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होगी। आत्मनिर्भरता इन डिफेंस। आवर गवर्नमेंट इज कमिटेड टू रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23.
up from 58% in 21-22. Defense R&D. सीतारमण ने सार्वजनिक निवेश को बने रहने की जरूरत पर बल दिया। फिलहाल ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे। सार्वजनिक निवेश के साथ साथ निजी निवेश को भी प्रेरित करने पर योजना बनाई जा रही है। सर्कुलर इकोनॉमी ट्रांजिशन इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प इन प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एज वेल एज क्रिएटिंग लार्ज अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू बिजनेसेस एंड जॉब्स। द एक्शन प्लान्स फॉर 10 सेक्टर्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, end of life vehicles, used oil waste, toxic and hazardous industrial waste are already ready. The focus will now be on addressing important cross-cutting issues of infrastructure, reverse logistics, technology upgradation and integration with informal. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू वर्ष में लाया जाएगा। विल गिव अ बूस्ट, अ बिग बूस्ट टू डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल करेंसी विल आल्सो लीड टू अ मोर एफिशिएंट एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज देयरफॉर प्रपोज्ड टू इंट्रोड्यूस डिजिटल रुपी यूजिंग ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजीज टू बी इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया starting 2022 and 23. Financial assistance to states for capital investment. निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है। अगले 2 असेसमेंट साल तक अपडेटेड आईटीआर संभव होगा। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने का ऐलान किया है। दिव्यांगों को भी राहत देने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके इसे जारी किया जाएगा। डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी। 2022-23 में इसे आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा। डिजिटल करेंसी से इनकम पर 30% टैक्स लगाया गया है। यह भी बताया गया है कि रुपए की डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष में लाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022-23 में आरबीआई लाएगा डिजिटल रुपी। इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, data centers and energy storage systems including dense charging infrastructure and grid scale battery systems will be included in the harmonized list of infrastructure. This will facilitate credit availability for digital infrastructure and clean energy storage. Venture capital and private equity invested more than 5.5 lakh crores last year, facilitating one of the largest startup growth system. Scaling up this investment requires a holistic examination of regulatory and other frictions. An expert committee will be set up to examine and suggest appropriate measures. Government-backed funds, NIIF and SIDBI, Fund of Funds, have provided scale capital, creating a multiplier effect. For encouraging important sunrise sectors such as climate action, deep tech, digital economy, pharma and agri-tech, the government will promote these thematic funds for blended finance, with the government share being limited to 20% and the funds being managed by private fund managers. For financing the infrastructure needs, the stepping up of public investment will need to be complemented by private capital at a significant scale. Measures will be taken to enhance financial viability of projects, including PPP, with technical and knowledge assistance from multilateral agencies. Enhancing financial viability
shall also be obtained by adopting global best practices, innovative ways of financing and balanced risk allocation. Digital rupee. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम 100% लागू किया जाएगा। सीतारमण ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी, वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपए प्रति किलो रहेगी। स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी एक और साल के लिए बढ़ाई जा रही है। Disincentivized import of undervalued imitation jewelry. The customs duty on imitation jewelry is being prescribed in a manner that a duty of at least 400 rupees per kg is paid on its import. Chemicals. Customs duty on certain critical chemicals, namely methanol, acetic acid, and heavy feedstocks for petroleum refining, are being इससे पहले निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय आकर मीडिया के सामने बोली कि खाता भी दिखाया और बता दिया आप कि उन्होंने वही खाते में एक टैबलेट भी शो किया। टैबलेट के जरिए निर्मला सीतारमण ने डिजिटलाइजेशन की बात कही है। इससे पहले बजट पेपर संसद भवन पर आया करते थे। संसद में बजट पेश करने से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने आज पेश होने वाले बजट पर अपनी औपचारिक मोहर भी लगाई थी। यह बैठक पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई। पीएम मोदी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, रेलवे, संचार व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इस कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए। 2014 में केंद्र में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने आज अपना 10वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार चौथी बार बजट पेश किया। वित्त मंत्री सीतारमण अपने लंबे बजट भाषण के लिए जानी जाती हैं। साल 2019 में उन्होंने 2.15 घंटे का सबसे लंबा भाषण दिया। इसके बाद साल 2020-21 में उन्होंने 2 घंटे 42 मिनट तक भाषण देकर रिकॉर्ड बनाया था। बजट पेश किए जाने से पहले वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने अपने आवास पर पूजा अर्चना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराड़, पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बजट से पहले कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर क्षेत्र की जरूरतों को के अनुरूप समावेशी बजट पेश करेंगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इससे सभी को लाभ होगा। आज के बजट से सभी क्षेत्रों को उम्मीद रखनी चाहिए थी। कांग्रेस ने बजट से पहले सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए कई नीतियों की आवश्यकता है, जुमला नीतियों की नहीं। बजट से पहले आरजेडी नेता मनोज झा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। मनोज झा ने बोला कि यह आंकड़े को ही स्वीकार नहीं करता, अर्थव्यवस्था लहू लुहान है, बजट आम होता है, इसको खास बनाना बजट की सरकार की जिम्मेदारी है। मनोज झा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह चुनावी बजट भी बनाने के काबिल नहीं है, ये सिर्फ नंबर्स बताते हैं और नंबर गेम करते हैं, नंबर गेम में नहीं उलझना चाहिए। बजट के बाद आयोजित पीसी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में आम लोगों का ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि योजना के अनुसार LIC का विनिवेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि LIC का IPO जारी किया जाएगा। विनिवेश को लेकर सरकार लगातार प्रगतिशील है। बजट पर पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवीय और अनेक अवसर प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कल बीजेपी ने मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत के विषय पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ऐसे सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी और क्षेत्र के कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार को कोरोना काल के बाद एक ऐसा बजट पेश करना चाहिए था जहां मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसायी की मदद के लिए संसाधन और पैसा उपलब्ध हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया जिसके साथ ही लोकसभा की आज की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि बजट में नौकरी पेशा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है, बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नया नहीं है। आम बजट पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि गरीबों की जेब खाली हुई है, कुछ नहीं मिला, नौकरी पेशा की जेब भी खाली हुई, कुछ नहीं मिला और छोटे उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया गया। मायावती ने बजट पर कहा कि केंद्रीय बजट नए वादों के साथ जनता को लुभाने के लिए लाया गया है जबकि गत वर्षों में वादों और पुरानी घोषणाएं आदि के अमल को भुला दिया गया। मायावती ने कहा कि केंद्र बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की आत्महत्या जैसे गंभीर चिंताओं से मुक्त क्यों है। बजट पर निराशा जाहिर करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से कुचले जा रहे आम लोगों के लिए बजट शून्य है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि सरकार बड़े शब्दों में खो गई है जिसका कोई मतलब नहीं, एक पेगासस स्पिन बजट है। अमित शाह ने कहा कि बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना कोरोना काल में भी भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। अमित शाह ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया यह बजट एक दूरदर्शी बजट है जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भूमि सुधारों का डिजिटलीकरण भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल देगा। मैं इस साल की बजट घोषणाओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं। नितिन गडकरी ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा जो बजट लाया गया है इस साल 25,000 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा करने के लक्ष्य के साथ साथ प्रदूषण से रोकथाम को लेकर भी शहरों में ई वाहनों को बढ़ावा देने का वो स्वागत करते हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि साथ शहरों में बैटरी अदला बदली की नीति पर जोर दिया जाएगा जिससे प्रदूषण से निजात मिलेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बजट के बारे में कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड का ये अमृत बजट है। अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है, बजट सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आधारित है, इसमें सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखा गया है। सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश की तरक्की के लिए संसाधनों का विकास, हरित अर्थव्यवस्था को बल और डिजिटल व्यवस्था को बजट 2022 में बढ़ावा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सेवा, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी प्राचीन अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ रही है और आने वाली नई चुनौतियों के लिए इस बजट में समाधान दिया गया है। दिल्ली स्थित FICCI के अध्यक्ष संजीव मेहता ने कहा कि व्यापार के नजरिए से दो चीजें, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी और कंसिस्टेंसी ऑफ टैक्स रेट महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने इससे ज्यादा बदलाव नहीं किए, नए टैक्स भी लागू नहीं किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि ये आम आदमी का बजट है जिसमें गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया है। इस बजट किसानों की आय दुगना करने वाला बजट भी कहा जा रहा है। खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है, हाईटेक टेक्नोलॉजी का लाभ किसानों को कैसे मिले इसका मार्ग प्रशस्त किया गया है। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद सेंसेक्स में तेजी देखी गई। सेंसेक्स आज 839.57 अंकों की तेजी के साथ 58,853.74 और निफ्टी 244 अंकों के उछाल के साथ 17,583 पर पहुंच गया था। बजट पेश होने के बाद बाजार में 1.87% की गिरावट आई है। बाद में दिन के कारोबार में हल्का सुधार देखने को मिला।
बजट की घोषणाओं का बाजार पर सकारात्मक असर दिखाई दिया है। सेंसेक्स 848 अंकों के उछाल के साथ 58,862 और निफ्टी 237 अंकों के साथ 17,576 के स्तर पर बंद हुआ। वित्त मंत्री ने बजट के ऐलान में आयकर के स्लैब और टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया। वहीं करदाता अब 2 साल तक अपडेटेड ITR भर सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी योजना के माध्यम से कुल 17.35 लाख लाभार्थियों ने होम लोन पर सब्सिडी का लाभ उठाया है, जिसमें से 6.15 लाख लाभार्थी मध्यम वर्ग से आते हैं। बजट में वित्त मंत्री ने कॉमोडिटी पर कई तरह की छूट का ऐलान किया, जिसमें ज्वेलर्स को भी राहत दी गई है। कट एंड पॉलिश्ड डायमंड्स के लिए कस्टम ड्यूटी घटा दी गई। अब पॉलिश डायमंड्स पर केवल 5% की कस्टम ड्यूटी लगेगी। वर्तमान में यह ड्यूटी 7.5% थी। बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेशकों को भारी राहत दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मैक्सिमम सरचार्ज 15% हो गया है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि कर्ज कार्यक्रम के तौर पर संसाधन जुटाने के लिए सरकार ग्रीन बॉन्ड लेकर आएगी। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस समेत कई आइटम्स के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए छूट की घोषणा की है। मोबाइल फोन चार्जर के ट्रांसफार्मर पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है। इसी के साथ बजट सुपरफास्ट में बस इतना ही। नमस्कार।